हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ अन अकेडमी लॉ. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और मैं यहाँ आपका एजुकेटर और होस्ट कुशाग्र गोयल. वेरी वेरी वार्म वेलकम आप सभी का. बहुत बहुत स्वागत है. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू हु हैव ट्यून्ड इन लाइव. सो एज वी कंप्लीट द मंथ, वी आर गेटिंग क्लोजर टू आर एग्जामिनेशन, एंड इट बिकम्स पैरामाउंट कि वी नाउ रिड्यूस और at least streamline what we have to study in the examination. We will also be now looking at unhi newspaper headlines ko jinka exam mein aane ka chance banta hai. Hum unhi headlines ko ab dekhenge jo jo exam mein aa sakti hain ya hamare exam mein aane ke chances rakhti hain. Those are the things that we will be looking at. So very very good afternoon to everyone who have tuned in, and I will also, there is some, if you are someone who is watching me for the very first time, I am Kushagra Goyal, a graduate from National Law University, a master's in economics. I have also assisted students to achieve AIR 4, AIR 16. Aur aap meri revision series ko Unacademy ke learners app par dekh sakte hain. Aap logo ke comments I am reading in the chat box, so you can, if you have any queries, you can put it in them in the chat box. Aap chat ke andar likh sakte hain. Main apna sentence khatam karne ke baad aapke queries ko zarur lunga. एंड आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, दैट इज़ कुशाग्र गोयल द लीगल गेम अंडरस्कोर अनअकैड. यहीं पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी. कोई भी क्वेरी आपको हो तो आप मुझे यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं, या आप मेरे क्लास के नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं एट bit.ly/kusagnotes या अनअकैडमी की कम्युनिटी टैब पर भी. इन दोनों ही लिंक्स पर नोट्स अवेलेबल होते हैं. देन As the tradition is, we will be continuing with our daily current affair quiz. हम इसे रोज 1:10 पर करते हैं, where I ask you questions based on the daily current affairs. You all can access this through the code KUSHGK. इस कोड को यूज करके आप इस क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं. इसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7825860506 पर. एंड वन बिग अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि कल, दैट इज April 29, विच इज़ अ फ्राइडे, एट 1 PM एंड 4 PM, मार्क द टाइम, याद रख लो, अच्छे से नोट कर लो, 1 बजे और 4 बजे आई विल बी डूइंग अ जी के मैराथन, वेयर इन आई विल बी आस्किंग यू जी के क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर क्लैट एंड एलिट पैटर्न. इसी पैटर्न पे क्वेश्चन होंगे. दे विल बी एक्सक्लूसिवली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. सो कोई भी क्वेरी हो अगर आपको related to any of this, GK से related, तो this is your chance of asking me, this is your chance of approaching me for any of your queries. Also, आप exclusively GK का section attend कर सकते हैं कल 1 बजे और 4 बजे. So भूलिएगा मत, कल दोपहर में 1 बजे और 4 बजे. This is part 1 and 2. हम दो quiz करेंगे इसमें, and I will be asking you questions in common. So there will also be a common leaderboard होगी इस class के अंदर. So भूलिएगा मत. ऑल राइट एवरीवन, सो शुरू करते हैं हमारा आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस. उससे पहले वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन हु हैज ट्यून्ड इन. हाय आस्था, आकांक्षा, जानवी, शैली, आयशा, श्रुति, अनिरुद्ध, ऋषभ, सार्थक, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. सो सबसे पहले आप लोगों की, देयर इज़ अ पावर कट, राइट? हाँ, पावर कट इज एक्चुअली हैज़ बिकम अ ह्यूज थिंग. मुझे भी आप आज की सुबह की क्लास, आई ऑल्सो हैड टू पोस्टपोन बिकॉज ऑफ पावर कट. सो राइट नाउ देर इज इलेक्ट्रिसिटी, देर इज अ शॉर्टेज दैट वी आर फेसिंग. देर इज ऑल्सो एन इंक्रीज डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन आर कंट्री. अनलाइक अदर कंट्रीज, यूरोप के अंदर वी विल बी रीडिंग आज कि वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड और एनर्जी की डिमांड गर्मियों में कम हो जाती है, बट हमारे यहाँ गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड स्काई रॉकेट होती है. इट इज़ एट इट्स पीक, प्राइमरीली बिकॉज वी रिक्वायर कूलिंग अप्लायंसेस टू कीप आर होम कूल इनफ फॉर आर वर्किंग टेम्परेचर. हमें फैन चलाने के लिए, लाइट चलाने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है. सो देर विल बी पावर शॉर्टेजेस. सो होपफुली दिस इज अ सिचुएशन दैट gets resolved at the earliest. Very very good afternoon. Hi Pranali, hi Ayushi, hi Ayush, hello Asta. So sabse pehle, then there is one more question, is BIMSTEC military alliance? No, BIMSTEC ya Bay of Bengal initiative for multi sectoral engagement and cooperation is not a military alliance. Military alliance mein sirf there is North Atlantic Treaty Organization. Okay, so uske baad baat karte hain. Sabse pehle the states, this is in regard to VAT and CESS. Okay,
अब ये जो हेडलाइन है जिसमें कल प्राइम मिनिस्टर स्पोक अबाउट, राइट, नॉट रिड्यूसिंग वैट, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस. There are direct taxes and then there is indirect tax. ठीक है, direct tax is a progressive one. मतलब जिसकी इनकम ज्यादा होती है उस पर ज्यादा टैक्स लगता है. एग्जाम्पल इनकम टैक्स, है ना, आपके पेरेंट्स जैसे जैसे उनकी इनकम इंक्रीज होगी उनका टैक्स बढ़ जाएगा, फेयर इनफ. दूसरी साइड होता है इनडायरेक्ट टैक्स, दिस इज नॉन प्रोग्रेसिव. ओके, इसके अंदर आते हैं सेस, वैट, ड्यूटीज. ठीक है, दीज आर द थिंग्स विच आर देयर फॉर इन जनरल इन इनडायरेक्ट टैक्स. नाउ पेट्रोल या क्रूड ऑयल जो हम परचेज करते हैं, पेट्रोल डीजल, ठीक है, दिस कम्स अंडर इनडायरेक्ट टैक्स. किसके अंदर आता है ये, एक बात आपको जो पता होनी चाहिए, वन थिंग दैट यू ऑल नीड टू नो इज दैट इट इज पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, फेयर इनफ. नाउ देर आर टू पीपल हु आर टैक्सिंग यू. जब भी आप एक रुपए का भी पेट्रोल खरीदते हो तो उसके ऊपर देर आर टू एजेंसीज और टू गवर्नमेंट्स हु आर टैक्सिंग यू. ठीक है, पेट्रोल पे कौन कौन टैक्स करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको टैक्स करती है एज अंडर द कैटेगरी ऑफ सेस. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स इनको टैक्स करती है as part of value added tax. okay, so what the prime minister is referring to is that states ne apni taraf se VAT reduce nahi kiya, but and ye nahi bataya prime minister ne ki budget mein unhone cess increase kar diya. now there are two types of central government taxes. okay, central government bhi jo tax collect karti hai wo bhi do tarike ke hote hain. theek hai, so one is cess. The next one is, so central government के indirect taxes are of two types. ठीक है, one which come under divisible pool of taxes. किसके अंदर आते हैं, divisible pool of taxes. इसका क्या मतलब है, ओके, 40% ऑफ इट, 40% ऑफ टोटल, ठीक है, 40% ऑफ दिस टैक्स गोज टू स्टेट्स, राज्य सरकार को दे दिया जाता है. द अदर आर सेस. ओके, नाउ आई एम रिड्यूसिंग द साइज ताकि आप लोग मुझे देख पाए और मैं आपका कंटेंट कवर नहीं करूं. सो सेस होते हैं नॉट to be shared. okay, ये state के साथ share नहीं किए जाते हैं. cess जो होता है वो state के साथ share नहीं किया जाता है. अब सिंस 2014, 2014 से पहले सेस नहीं लगता था पेट्रोल पे. जो सेस था दैट वॉज ऑलमोस्ट 0%. ओके,
since 2014 this cess has been increased ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अर्न टैक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम यू. आप अगर एक लीटर पेट्रोल भी खरीदते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें से 25% मिलता है. ओरिजिनली 2014 से पहले वो 0% था. स्टेट्स का टैक्सेस हमेशा से रहा है. द टैक्स बाय स्टेट्स ऑन फ्यूल क्रूड ऑयल पेट्रोलियम हैज ऑलवेज बीन देयर बट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिड नॉट हैव दिस. दिस इज एन एक्सक्लूसिव थिंग दैट दे हैव डन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ओके, so this is new, right? So this is what the prime minister and the opposition are talking about. Hamare liye ye tax issue has become important. Okay, so one thing you have to know, what are divisible pool of taxes? One that the state central government shares with the state governments. Okay, har saal every 5 years finance commission ye batati hai ki central government ke overall taxes mein se states ko kitna diya jayega. Okay, this is what that is told. The other side of the story is the taxes that the states do. All right, fair enough. So this is what this headline is all about. Okay, everyone, then we move on the left. Why can't Paravillan be released? Okay, this is an individual who is locked up for killing the फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी. 1990 की इलेक्शन कैंपेन के टाइम ही वॉज किल्ड इन अ टेरर अटैक एंड दैट इज वॉट दिस इंडिविजुअल हैज बीन इन जेल फॉर. 30 साल से वो जेल में है बट ही हैज हैड अ मर्सी पिटिशन कि अब उन्हें जेल से रिलीज कर दिया जाना चाहिए. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड नॉट टू डू इट. सिंस ईयर्स देर हैज नॉट बीन दिस पर्सन हैज बीन आस्किंग फॉर मर्सी. Now that mercy petition is before the Supreme Court. This is the issue about that. For us, what is more important is May 5. Supreme Court fixes final sedition hearing on May 5. 5 May ko Supreme Court continuously decide karegi on whether the sedition law should continue or not. Sedition law says that under this there has been an abuse of the state. स्टेट की तरफ से अब्यूज करी गई हैं अपनी पावर्स अबाउट क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, देर इज अ लाइन दैट कैन बी ड्रॉन बिटवीन क्रिटिसिज्म. ओके, देर हैज टू बी अ क्रिटिसिज्म विच इज नॉट अगेंस्ट इंडिया बट देर इज अ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट. क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज फाइन. एंटी इंडिया एक्टिविटी मतलब देश को देश के अंदर शांति भंग करना या उस तरीके के काम करने के लिए सेडिशन को लाया गया था. दिस इज वॉट द चैलेंज इज अबाउट. हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप लोगों को लीगल सेक्शन में सेडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. देन द सेकेंड थिंग, दिल्ली शुड बी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंट्रोल. दिस इज द टसल की दिल्ली should be as a independent state. वहाँ पर जो chief minister है उनके पास power होनी चाहिए या फिर the other way round. Okay, so this is the tussle about that. हमारे लिए अभी important नहीं है. Okay, then we move on. Eminent artist being evicted from government homes. So this is about a scheme that the government runs wherein 40 eminent artists are allowed allowance of accommodation. केंद्र सरकार अपनी तरफ से 40 आर्टिस्ट को अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है. नाउ दिस इज अंडर द कल्चर मिनिस्ट्री. भारत की कल्चरल मिनिस्ट्री प्रोवाइड्स दिस अकोमोडेशन. देर आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स हु आर नाउ बीन एविक्टेड. सो फॉर अस व्हाट इज रेलेवेंट इज द टोटल नंबर अंडर विच स्कीम दिस इज डन. ओके, देन वी मूव ऑन. ऑन अदर नेशनल न्यूज नथिंग ऑफ नोट फॉर अस. फिर वी कम to the editorial. None of this is news about different political parties. Okay, jaise KCR rigs up friction with governors, not important. Okay, not important. These are not important for us. Okay, then we come to the news here. SSLV deployment flights likely in 2022. ISRO ke chairperson S. Somnath has stated that
इंडिया विल बी अलाउइंग लॉन्च ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ओके, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एस अभी वी हैव द मेन स्टे ऑफ अस इज PSLV, ओके, विच इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ओके, एंड इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 320 tons. बट 320 टन से कम का अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है तो उसके लिए देर इज SSLV. ओके, इसरो प्लान्स टू हैव एन SSLV फ्लाइट टेस्टेड दिस ईयर विच विल बी एबल टू कैरी कैपेसिटी ऑफ 500 kilograms. ओके, लो अर्थ ऑर्बिट में लेट्स से आपको रिसर्च के लिए अपनी एक ऐप बनानी है, उसके लिए सैटेलाइट चाहिए. सो दोज थिंग्स कैन बी डन थ्रू SSLV. You can contact ISRO. They will provide you with the rocket. You will provide them with the satellite and they can launch your satellite in the space. So what will be the carrying capacity? 500 kilogram of this rocket. Okay, it will go all the way up to low earth orbit. Fair enough. So SSLV and PSLV, इनका full form आपको पता होना चाहिए. Okay, then we move on अप टू द मेन एडिटोरियल. ओके, सो द मेन एडिटोरियल में सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं क्या नहीं पढ़ना है हमें. ओके, सो हार्ड ट्रूथ्स फ्रॉम द रबल ऑफ कम्युनिकेशन configurations and the blueprint. These are related to the political scenario in our country, rising communal tensions and about the Congress party. हमारे लिए exam के point of view से ये relevant नहीं है, ठीक है. Then the second one, the main editorial, building back to avoid the learning catastrophe. आप सबको पता है कि अगर आप अभी 2 साल बाद स्कूल गए हैं तो you would have some difficulty in coping up with your learning. You would have felt a gap of 2 years suddenly coming back. All of it has, there has, COVID has disrupted your study cycle. अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी 10th, 11th के अंदर आपसे क्या पढ़ाया गया था या what is there, you will have a difficulty in learning. Also, at the same time, you will have a gap. Maybe your handwriting has changed a little, your speed is not the same, you are not able to grasp the concept. Children of the younger age face a larger problem in this regard. Okay, so iske andar this editorial discusses that. Hamare liye isme ek hi cheez important hai, the name of the report. Okay, what is the name of the report? Joint report by UNESCO, UNICEF and World Bank, the state of global education crisis, a path to recovery. Okay, this is the one that discusses how learning has been affected during COVID time period. Okay, so wapas se I am discussing UNESCO and UNICEF and World Bank have collectively released a report, the state of global education crisis, a path to recovery. All right, then we come to the main one. Preventing harm, proactive intervention is needed to stop spread of hate and inflammatory speeches. This is once again, kal humne iske bare mein baat kari thi, continuing mandamus and Supreme Court's power of taking preventive action. So preventive action mein religious conflagrations, those the ones that are calling for hate against another community, un conflagrations ko kam karne ki baat kahi gayi hai. Where state has to take proactive steps of protecting free speech. Absolute free speech के नाम पे आप डर का वातावरण क्रिएट नहीं कर सकते. So one thing to remember, okay, under article 19 there have to be reasonable restrictions on your free speech. Your right of free speech is not absolute. Okay, then which body is responsible for distribution of tax to central government and state government? Apne aap se, finance ministry does that on their own. Okay,
as per the recommendations of the Finance Commission. Okay, then we come to the next page of our editorial, Social Dialogue for Safe Workplaces. Code call for Committee for Workers' Safety. Okay, so this is regarding space, workspace mein safe environment. In different regard, there have to be different things. So, iske andar kya note karna hai hame? First of all, April 28 is celebrated as World Day for Safety and Health at Work. What is April 28 celebrated as? World Day for Safety and Health at Work. Matlab, kaam ki jagah pe aapko suraksha aur sehatmand environment ko provide kiya jana chahiye. What is the mechanism to ensure that occupational safety and health mechanisms? There have to be occupational safety and health mechanisms. This day is celebrated by ILO. ILO is an agency of UN. It has been celebrating April 28 as World Day for Safety and Health at Work since 2003. Ye hame yaad rakhna hai. That's about it. Then we move on to the next one. On the left hand side, hydrogen. Hydrogen has become a key thing because, for example, on the first day of the parliament this year, in the second part, after the recess of the budget session, our transport minister Nitin Gadkari ji came to the parliament in a hydrogen powered vehicle. Okay, and he talked about how hydrogen is the future of fuel and mobility. So in that regard, this is editorial is a policy discussion ki India ko apne aap ko hydrogen mein self reliant karne ke liye, hydrogen ke production ko increase karne ke liye kya kya steps lene chahiye. This is the editorial about that. Ye policy discussion hai, hamare liye relevant nahi hai. Okay. Fair enough. Then aage badhte hai. To an entry poll mode, India's health, none of this is important. Okay, then we come to the text and context segment. Okay, text and context pe Indonesia has banned palm oil export. Now iske andar hame kya pata hona chahiye? Indonesia, first of all, what is palm oil? Hum sab cooking oil use karte hai har cheez mein, whatever in Indian households we are cooking, we are using some amount of oil in that regard. Okay? अब उस ऑयल के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ पाम ऑयल, अ लॉट ऑफ अस हैव ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स, राइट? सो पाम ऑयल, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल इज इंडोनेशिया. ओके, इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर एंड कंज्यूमर ऑफ पाम ऑयल. व्हाट हैव दे डन? दे हैव बैंड एक्सपोर्ट्स ऑफ पाम ऑयल टू एनी कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड. नाउ लास्ट ईयर इंडिया हैड प्लान्ड on increasing its own production of palm oil. Now palm oil ki liye there is rising cost of palm oil, that is also another thing, and Bharat Sarkar wants Indians to produce palm oil themselves. This is because to reduce their import requirement or import dependency on this. Okay, palm oil is also used for biodiesel. This is the other use about it. So hamare liye isme yehi note karne ki baat hai. Which country is the highest producer of palm oil? Indonesia. Exporter of palm oil? Indonesia. Consumer of palm oil? Indonesia. Okay, then we move on. At the end of the road, the status of future group. Sabko pata hai Big Bazaar ke bare mein. Now one thing you would have noticed is Big Bazaar has been closing shops. Agar aapke aas paas koi Big Bazaar ka store band hua hai, so one of the reason is that they are going under insolvency. उनका दिवालिया निकल गया है. दे डू नॉट हैव मनी टू पे बैक. ओके, सो दैट इज द डिस्कशन दैट इज हैपनिंग हियर. देन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून अरविंद, हाय अक्षत. देन वी मूव ऑन, अ लुक एट चाइल्ड एंड एडोलेसेंस हेल्थ केयर सिस्टम. पॉलिसी डिस्कशन नॉट रेलिवेंट फॉर अस. देन वी कम, बर्थ एंड डेथ रिपोर्टिंग टू बी ऑटोमेटेड. सेंटर प्लान्स अ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम लिंक टू NPR. NPR is an exercise for updating your addresses. It is for all the people. Okay, it is anyone who is residing in India. अब हमें क्या पता होना चाहिए इसमें, what is NPR? Okay, let's go back to the previous slide. अगर आपने ये note कर लिया है तो I will delete this. All right. I hope you can take a screenshot अगर आपने नहीं लिया है अभी तक. So I will delete this.
ऑल राइट। और एक काम कर सकते हैं, राइट, आई विल एक्सटेंड इट लेटर। सो द न्यूज दैट वी हैव इज NPR, राइट। NPR or National Population Register is an exercise to document all people residing in India. भारत में हर कोई कहीं पे भी रहता हो उसका documentation is done under NPR. This includes citizens and non-citizens. Even if you are a citizen, then also, even if you are a non-citizen, then also you have to enroll in NPR. Okay? NPR is also a precursor to the census. Census के अंदर क्या होता है? You are required to have only citizens, भारत के नागरिकों का डेटाबेस होता है, ठीक है? So this is the thing that we have. Then we move on. On national news, so this discussion we have already done. Opposition irked by Prime Minister Modi's remark. We have discussed about VAT. Then we come on the right hand side. AK Antony bids farewell to parliamentary politics. Veteran Congress leader and former Defence Minister of India. So one of the key standout thing is that AK Antony is the longest serving Defence Minister of India. Okay, in the history of India ke itihas mein, he is the longest serving Defence Minister of India. Okay, continuous level pe he has been the longest serving Defence Minister of India, and he is also a 3-time Kerala Chief Minister. Okay, India's longest serving defense minister and 3-time India Kerala's Chief Minister. Okay, then your questions, which body is responsible for distribution? I've answered this, sir. This newspaper analysis is enough for general knowledge. Daily current affairs ke liye, ha. Then your question, Nikita, about didn't understand NPR. Dekho, NPR होता है basically an exercise to see कि भारत के अंदर कौन कौन रह रहा है. A lot of us are citizens of India, आप और मैं भारत के नागरिक हो सकते हैं, but there are people who come to India to work. अब वो भारत के नागरिक नहीं हो सकते, but सरकार को उनके लिए पॉलिसी तो बनानी पड़ती है, right? So उस सब के लिए हर 5 सालों के अंदर सरकार NPR को कंडक्ट करती है. Every 5 years this is done to document all people who are living in India. हर 5 साल में एवरीवन हु इज रिसाइडिंग इन इंडिया उसका डॉक्यूमेंटेशन इज डन अंडर NPR. दिस इज द एक्सरसाइज टू डॉक्यूमेंट ऑल पीपल रिसाइडिंग इन इंडिया. ओके, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, दिस इज ऑल दैट यू हैव टू नो. ओके, देन योर क्वेश्चन, फाइनेंस मिनिस्ट्री इज द बॉडी दैट डिस्ट्रीब्यूट. ओके, देन वी कम, प्राइम मिनिस्टर टू अंडरटेक 3-nation टूर इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे. Our Prime Minister will be visiting Germany, Denmark and France. He will be once again meeting Emmanuel Macron and congratulating. Okay. Now, one thing that is important for us is that this year is also being celebrated by India and France to mark 75 years of their diplomatic relationship. So, uske baare mein there will be a meeting in Denmark. The Prime Minister will also be participating in the second India Nordic Summit. Okay, in Prime Minister Modi will be participating in the second India Nordic Summit. Iske andar Nordic countries se Prime Minister will be meeting, and in Copenhagen, apart from meeting Danish Prime Minister, he will also be interacting with other Nordic countries such as Sweden, Iceland, Norway and Finland. ये प्राइम मिनिस्टर का टूर प्रोग्राम है. वॉट एवर इज अनाउंस्ड इन दैट वी विल बी डिस्कसिंग दिस. ओके, देन वी मूव ऑन टू अदर न्यूज फॉर अस. सो फर्स्ट
Raisina dialogue, nothing of importance for us. Then we come to this news. Tejas aircraft will be undergoing a new kind of test that is known as MAFT. Okay, what is the MAFT test? Main Airframe Fatigue Test. Matlab, overall service life of the aircraft. Kaise pata chalega ki ye aircraft itne saal tak chal sakta hai? Okay, so that test is conducted under MAFT. What is MAFT? Main Airframe Fatigue Test, which will be done on LCA Tejas, ya Light Combat Aircraft, MK-1 Tejas ke upar conduct kiya jayega by Ground Test Center of Aircraft Research and Design Center of HAL. Okay, HAL will be conducting this test for the aircraft that they have manufactured, which is LCA Tejas. Okay, then we move on to international news. Okay, so first of all, tensions in Europe are escalating. Russia has stopped gas supply to two NATO countries. There is also a threat of further stoppage in gas supply by Russia to other countries in Europe. Most of the European countries rely on Russian gas for heating their homes. Unke gharon mein heater, unke gharon mein bijli Russian gas se hi aati hai. So that this is also all about the Ukraine-Russia tension escalating. Okay, then on the right hand side, pressure on government mounting in Sri Lanka. Wahan ki financial crisis is getting severe. No steps have been taken. IMF bailout package ka wait kar rahi hai sarkar. Then we come to a terror attack that has happened in Karachi. Baluch Liberation Army or the terrorist outfit of Pakistan, which has been raising war for independence of Baluchistan from Pakistan, conducted a terror attack killing Chinese citizens who were working in Pakistan in Karachi. So hame pata hona chahiye ki kisne kiya terror attack? Baluch Liberation Army. Kahan pe kiya gaya? Karachi ke andar. Okay, who were killed? Chinese citizens. All right, then we move on to the main news here. Junta court jails Aung San Suu Kyi for 5 years for corruption. This is all about ending the demand or the ending the road for Aung San Suu Kyi, who has been a democracy campaigner in Myanmar. Myanmar mein last year there was a military coup. Tab se Aung San Suu Kyi is under house arrest. For more details about this, I have taken classes on Unacademy. Aap meri classes join kar sakte hai to discuss more on this. Okay, Myanmar coup se related hai. Former Nobel laureate, 1991 winner of the Nobel Peace Prize for campaigning for democracy, Aung San Suu Kyi, has been in jail since February 1 last year. Tab se wo house arrest mein hai aur ab unhe 5 saal aur saza di ja chuki hai. Already she has been jailed for 4 years. Now 4 plus 5, she is already 70 plus. So it is basically trying to end her political career. Okay, which two nations did Russia stop gas supply for? Poland and Bulgaria. Poland and Bulgaria are two NATO countries jinki gas supply Russia ne band kar di hai. Okay, then we move on. Iske baad, in other news for us, so before I come to the sports segment, I have a request for all of you. Agar aapko ye newspaper analysis abhi tak acha laga hai, so please make sure ki you give it a thumbs up ya aap iske like button pe zarur press kariye. Your likes go a long way in ensuring us that we keep the content free of cost. Ye jo content hai, it cost money, and to provide it for free, your likes and shares mean a lot to us. So thank you so much for those who have subscribed to our channel and who are regularly viewing us. Apart from this, if you are someone new and if you are watching it for the very first time, yeah, aap consistent hai, so do make sure that you do hit the like button. Thank you so much. So let's move on the economic news. India ki sarkar, Bharat sarkar, has announced that LIC will be disinvested by 3.5%. Apni total usme se sarkar 3.5% private logo ko degi. For people, 4 May se people will be able to trade in shares of LIC. Okay, aap aur main LIC ke shares khareed sakte hain. Hum IPO ki cost de sakte hain. Share prices will open at 902 to 949 ke bandwidth ke andar. Aap iski price set kar sakte hain. IPO ke liye apply kar sakte hain. Shares khareed sakte hain.
एंड दिस इज ऑल्सो इंडियाज लार्जेस्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, क्योंकि कितने शेयर्स विल बी अप फॉर सेल, 22,13,74,920 shares of LIC will be up for sale. So for example, आप 1,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दैट वुड मीन यू हैव वन शेयर ऑफ एल आई सी. बट अगर आप 10,000 रुपये का शेयर खरीदना चाहते हैं तो दैट वुड मीन दैट यू हैव 10 शेयर ऑफ एल आई सी. ओके, सो इफ समवन हैज दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, दे कैन ईदर इवन परचेज द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर. ओके, समबडी वॉन्ट्स टू होल्ड एल आई सी, दैट इज हाउ बिग द कंपनी इज. ओके, देन वी मूव ऑन. अपार्ट फ्रॉम दिस, there will be a purchase of Air Asia. Okay, Air Asia, which is an airline in India, that will be purchased by Air India. So you can get a question in your elite examination ki Air Asia ko kaun si airline khareedne wali hai. It will be Air India. Okay, apni hi company Tata's ki dusri airline hai Air Asia, usko Air India khareedne wali hai. Okay, this will also reduce the overall competition that Air India faces. Then we move on. Apart from this, on the economic side, nothing of note. Then we move on to sports. On sports side, IPL news, nothing of note for us. Then the French Open will about to begin in soon, so that's the news about here. With this, we complete our newspaper analysis. So what all to note down today? Okay, sabse pehle, tax structure on fuel. Then क्या क्या नोट करना है आज के न्यूज़पेपर में. फर्स्ट ऑफ ऑल, टैक्स स्ट्रक्चर ऑन फ्यूल इन इंडिया. सेकंड, प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू ईयू, इंडिया नॉर्डिक समिट. देन अप्रैल 28 सेलिब्रेटेड फॉर डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स. एंड लास्ट, माफ टेस्ट, मेन एयर फ्रेम फिटीक टेस्ट एंड SSLV रॉकेट. इसरो विल बी लॉन्चिंग अ न्यू रॉकेट फॉर स्मॉल सैटेलाइट्स अप टू 500 किलोग्राम. उसके लिए SSLV रॉकेट को लॉन्च इसी साल किया जाएगा. So that is the news for this side. Okay, uske baad then we move on. Now if you are someone who wants to take assistance from Unacademy for your preparation, then you should enroll in our new batch for CLAT 2023 aspirants. Agar aap wo hain jo CLAT ko 2023 mein denge, then this is your chance to enroll in our batch for Let's Crack CLAT. This batch will begin on 27 April. I will be taking master classes on GK. And if you are a CLAT 2022 aspirant, you can prepare for your crash courses from us under Score Booster Batch. Apart from this, why should you do it today itself? आपको आज ही subscribe क्यों करना चाहिए? क्योंकि आज we will be providing you with 20% off on Iconic subscriptions. That is, you will be able to avail a 20% discount by using the code KUSHGK. और आप हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन पर भी 20% ऑफ ले सकते हैं यूजिंग द सेम कोड KUSHGK. बट आपको आइकॉनिक क्यों लेना चाहिए? क्योंकि आइकॉनिक में यू गेट मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग एंड प्रायोरिटी इन क्लासेस. आपके सवालों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी अबव एवरीवन एल्स. नाउ इन आइकॉनिक वी ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम दैट, यू ऑल्सो गेट
structured courses, live test and mock test. But agar so make sure that you subscribe to it at the earliest. Aaj ki tarikh mein you will be able to get a 20% discount on our prices. Okay, so make sure that you use it today itself. If you have any other queries, you can visit our physical store in Jaipur. और बाकी सब सवालों के लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7825860506 पर. एंड इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर योर मॉक टेस्ट, देन यू कैन सब्सक्राइब टू अन अकेडमी लाइट. लाइट सब्सक्रिप्शन में यू गेट एक्सेस टू 25 मॉक टेस्ट इन टोटल फॉर योर प्रिपरेशन. ओके, एंड यू ऑल्सो स्टैंड अ चांस टू विन कैश प्राइजेस अप टू 1500. एंड लास्टली, जो भी नोट्स हमारे पीपीटी पर आपको दिख रहे हैं वो आपको इन दोनों लिंक्स पर अवेलेबल रहेंगे. और आप मुझे रीच आउट भी कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, दैट इज कुशाग्र गोयल द लीगल गेम अंडरस्कोर अनअकैड. लास्टली, अभी से 20 मिनट्स के अंदर आई विल बी कंडक्टिंग अ डेली करंट अफेयर क्विज. दिस विल बी 45th एडिशन ऑफ इट. इट्स अ वेरी पॉपुलर क्विज अमंग स्टूडेंट्स. एंड All you have to do is download the Unacademy Learner app, या आप link description में दिए गए link पे भी login कर सकते हैं. Just remember, use the code KUSSGK to access it for free. Free में access करने के लिए you will require the code. On that note, in this class you will also be able to ask me questions by raising your hand, and you will be able to talk to me and ask your doubts also. Class ke liye aapko alag se notification bhi aayega aur lecture notes bhi aap download kar sakte hain. So on that note, thank you so much. Agar aapko ye analysis acha laga hai, so do give it a thumbs up, and make sure ki if you are a new subscriber, do subscribe to the channel. And on that note, thank you so much. Kal fir se mulaqat hogi same time pe. Until then, take care, bye bye.